नौ वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह करिश्मा करके दिखाया। भारत की दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े संगठन और यहां तक कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब यह कहने लगे हैं कि भाई हम लोगों का विश्वास तो पक्का हो गया कि दुनिया में 21वीं शताब्दी दुनिया के किसी देश की है तो उस देश का नाम है भारत। पहले धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हम लोग दुनिया में 11वें स्थान पर खड़े थे। यह कांग्रेस की हुकूमत की बात बतला रहा हूं। कमाल किया है हमारे प्रधानमंत्री ने मेरे बहनों भाई, कमाल किया है। आज जो कल भारत दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार जीडीपी के मामले में 11वें स्थान पर था, आज आपको जानकर खुशी होगी, आपका सीना गौरव के साथ फूलेगा मेरे बहनों भाइयों कि आज भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारत जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह मानने लगे हैं कि भारत को दुनिया की टॉप थ्री, दुनिया के ऊपर के तीन देशों में आने से 3 वर्षों के अंदर ही यानी 27 के पहले तक, 27 प्रारंभ होते होते, 2027 प्रारंभ होते होते भारत दुनिया के टॉप थ्री कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे मोदी जी का हौसला देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे मोदी जी कहते हैं अरे अभी हम टॉप थ्री में आने वाले हैं, लेकिन 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा करते करते हम भारत को दुनिया का विकसित देश बनाएंगे। ख्वाहिश तो हमारी यह है कि यह नंबर वन की कंट्री यह दुनिया में बन जाए। भारत के प्रति सारी दुनिया में बेहद सम्मान बढ़ा है, उसका श्रेय जहां पर हमारे प्रधानमंत्री को मैं देना चाहता हूं, वहीं पर हमारे देश की जनता ने जिस प्रकार से संबल दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, हम उसका श्रेय इस हिंदुस्तान की जनता को भी देना चाहते हैं। लंबे समय तक आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत देखी है, लंबे समय तक जब कभी भाषण देने के लिए कांग्रेस के नेता खड़े होते थे तो कहते थे हमारी सरकार बना दो, हम हिंदुस्तान से गरीबी भगा देंगे, गरीबी समाप्त कर देंगे। मैंने भाई 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? गरीब समाप्त होते जा रहे थे, गरीबी समाप्त नहीं हो रही थी, हालात ये हो गए थे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे नीति आयोग के बारे में, आज नीति आयोग कह रहा है कि अरे मोदी जी आपने तो करिश्मा कर दिया, 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी के संकट से हिंदुस्तान में 9 वर्ष के अंदर ही बाहर कर दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं तीसरा टर्म प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को प्राप्त होना चाहिए और इस बाबा जगन्नाथ की धरती पर मैं एक अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा व्यक्त करके मैं जा रहा हूं बहनों भाइयों, चौथा टर्म भी यह हिंदुस्तान हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। जो होता था दुनिया में भारत को आंख दिखाता था, कांग्रेस के हुकूमत में बराबर आतंकवादी वारदातें होती थी, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। बहनों भाइयों, नक्सलवाद सिमट कर 2 जिलों में रह गया है, जो कि 40-50 जिलों में था। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा 2017 में एक बार चोरी से
मैं उसको चोरी से कहना चाहता हूं, भारत की सीमा में घुसकर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री को जानकारी मिली, मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था, मुझे बुलाया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, रक्षा मंत्री उस समय के हमारे स्वर्गीय परिकर जी हुआ करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ, तरह तरह के लोग सुझाव दे रहे थे, मैं भी सुझाव दे रहा था कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई बहनों भाइयों, उन्होंने फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवान जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और एक मामले में सर्जिकल स्ट्राइक किए, उससे सारी दुनिया को यह संदेश चला गया कि भारत यदि कोई छेड़ेगा तो भारत केवल सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह है भारत। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।